देख लो, एक 50 पे, एक 52 पे, जो मैं बोल रहा हूँ। आँखों फोड़ दो, आँखें फोड़ दो मेरी। बाय बाय, एक बार एक्सीलेटर ले लीजिए। मतलब हम बचा रहे हैं उनको, वो अपने आप को नहीं बचा रहे, हम बचा रहे हैं उनको। नहीं परमानंद भाई, यही कहूँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम मनोज है? नहीं मनोज। या सुशरे में आग लगा दो, मुझे रास्ते पे देख लिया तो आ जाऊँगा, वरना अगले जन्म में मिलेंगे ना क्या हो। तो जुड़े रहिए, सस्पेंस खुलेगा थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चले थे कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी अयोध्या से 9, 10, 11, 12 चार घंटे हुए हैं, और चार घंटे में हमने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चले, 250। बहुत देर बाद एक ढाबा मिला है भाई साहब, ढाबे ही नहीं है बिल्कुल कुछ है, वो इतने शैबी हैं कि बस मैं ऐसे से थे कि बस ना ही रुकने का मन कर रहा था। अंधेरा सा, अजीब सा, ये थोड़ा साफ सुथरा सा, चमकदार सा, खुला सा है। बिहार की मतलब इट्स लाइक हिट इंडियन फूड। ये नहीं खाया बिहार में तो क्या? आप भी खा लो कुछ, हम भी खा लेते हैं कुछ। चले दोस्तों, तो अभी मैंने इंस्टा अपना 360 ऑन किया है, यहाँ पे लगाया, अभी थोड़ी ये सब टेस्टिंग चल रही है यार, कहाँ पे लगा सकता हूँ कहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ, अभी कितना हिलेगा, यू नो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या व्यू है भाई, बादल देखो एकदम से, मतलब कैनवस ना ऐसा हो जाता है, मतलब सुस्त कैनवस से एकदम ब्राइट परफेक्ट कैनवस, मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है, खुशी आ जाती है कि मतलब कहीं जा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, दोपहर में घूम रहे हैं, अपनी दिमाग की दही कर रहे हैं, पसीने निकाल रहे हैं, पर एटलीस्ट नज़ारे तो अच्छे हैं, यू नो कितना कि आप मेहनत तो कर रहे हो पर कुछ रिजल्ट्स, तो ये वो रिजल्ट्स हैं ये जो आप सामने इस समय देख रहे हो। भैया माहौल ऐसा हो गया है कि बस किसी भी टाइम बरस सकते हैं, पर ऐसा बरसेंगे भाई साहब मतलब पूछो मत। सैडल बैग्स तो वाटर प्रूफ है, मेरे को ये टैंक बैग जो है ये कवर चढ़ाना पड़ेगा टाइमली, और मेरे को वाटर प्रूफ क्या करना है, अपने ऊपर बस वाटर प्रूफ और एक जैकेट है, और मुजफ्फरपुर से हम करीबन 25 किलोमीटर दूर हैं। बारिश मुझे लग रहा है काफ़ी तेज होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि बस सब कुछ निकल जाए।
जाओगे ना इस ट्रिप पे, उस दिन जाके ना घर रख दोगे, कहोगे भाई साहब दिल भर लिया। मतलब मैं जब जा, तभी तो मैं संडे राइड मंडे राइड क्यों नहीं आता हूँ, मैं तो ऐसे चला लेता हूँ ना, फिर वो छोटी मोटी चलाने ना तो मन करता। देर की बारिश हुई, जितनी देर में सब पैक वैक किया हमने, बचाया सामान को, पहले बचाया अपने को नहीं बचा पाए, बारिश रुक गई, बाकी सब तो ठीक है। बारह कलावा गीला हो गया, एक और है मेरे पास यहाँ का। मेरा बारह कलावा भीग गया, ग्लव्स भीग गए, एकदम से आई यार बारिश, थोड़ी थोड़ी थी कर, फिर एकदम से फुल स्पीड हो गई। चलो ये रहा बारह कलावा, यहाँ पे बांध दिया मैंने, मेरे पास एक और था तो वो सूख जाएगा अगर, तो फिर उसको यूज़ कर लेंगे। ओके चलो भैया, बारिश हो रही है अभी भी अच्छी खासी, वापस मैंने एक कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है नहीं, वाटर रेजिस्टेंट है, और रेजिस्टेंट जितना पानी तो इसमें तभी चला गया था जब अभी बारिश हुई थी, तेज हम रुके थे, धीरे धीरे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर चला जाता, और अंदर है भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पेपर्स है, कैमरा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, तू नहीं भीगना जी, हम भीग जाए कोई बात नहीं। ₹109 भैया क्या करके मानोगे, ₹110 हम लोग थोड़े कुछ करके रखे वहीं से, यूपी में 103 यहाँ 110, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल बेच देंगे, बस में बैठेंगे और घर या सुसरे में आग लगा दो। क्या नाम है? राजेश। अच्छा पूरा नाम अजेश है या महंगाई में घुस गया पूरा नाम? नहीं, अजेश पंडित। पंडित, अच्छा बस 2000 का कर दो, 2000। इस साल तो बारिश भी खूब हुआ है यहाँ पे, बताते हैं पूरे रास्ते में दोनों तरफ पानी पानी पानी, पूरा काफी है पूरे बिहार में, धान भी खराब हो रहा है। हाँ खराब हो गया, अच्छा जय जी, राम राम।
बारिश के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, पहाड़ों में ही चल रहे हैं और आप काफ़ी देर से चल रहे हैं और आपके टायरों की अच्छी ग्रिप बनी हुई है, तो ग्रिप बनने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे मेन रीज़न्स तो ये हैं कि आपके टायर की क्वालिटी जो भी है, प्लस आपके टायरों में हीट जनरेट हो चुकी, गर्म है वो टायर एकदम, सुबह सुबह आप जब जाओगे तब टायर एकदम ठंडे पड़े तो उतनी अच्छी ग्रिप बन नहीं पाती। वही अगर आप जैसे पहाड़ों में हो या हाईवे पे कहीं पे हो और एकदम से बारिश होने लगे, आप जा रहे हो फिर एकदम से बारिश होने लगे पहाड़ों में, अच्छी बारिश हो, सब भीग भाग जाए, रोड भी गीली हो जाए, तो नेचुरली आपके टायर की ना थोड़ी ग्रिप बननी कम हो जाएगी। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आप पहाड़ों में चल रहे हो एक स्पीड पे, यू नो जाएँ 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 जाएँ, फिर बारिश वारिश हुई, फिर आप अपनी स्पीड उसी हिसाब से करोगे तो शायद आपको उतना ग्रिप ना मिले टायरों में, समझ रहे हो ना, ठंडे हो गए टायर, सिंपल। बाकी मैं जो अभी टायर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इस बार टायर चेंज करवाए, वो चेंज करवाए थे अपने अपोलो के H1, ये नए टायर्स लॉन्च करे हैं अपोलो वालों ने ख़ास तौर से बड़ी बाइक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहले उनके बाइक्स के लिए स्टील रेडियल्स हैं, मतलब ये स्टील बेल्टेड टायर्स हैं और इनमें स्टील्स लगी हुई है, जो हाई स्पीड पे और मतलब थोड़ी जो भारी बाइक्स होती हैं और हाई स्पीड पे वो चाहिए होता है। तो इसकी जो स्पीड रेटिंग है इस टायर की वो 200 प्लस है, मतलब 230-240 बताते हैं वो इसकी रेटिंग है, और इस जस्ट की जो मेरा स्टॉक साइज़ है, जो कंपनी से साइज़ आता है टायर का, वो आगे वाला 120 है और पीछे वाला 160 है, और ये जो लॉन्च हुआ है वो 110 में और 150 में लॉन्च हुआ था, आगे 110 150 और आपका या और रिम साइज़ 17 आगे पीछे सेम। अब मेरा ये लेने का रीज़न था, एक तो भाई मेरा एक फ्रेंड इसको यूज़ कर रहा है ऑलरेडी वर्सेस में, तो उसका अच्छा फीडबैक था इसके बारे में, कुछ चीज़ें थी पर मेजरली इसका अच्छा फीडबैक था, और उससे भी बड़ा जो एक रीज़न था भाई वो थे पैसे। अगर मैं टिम्सन का टायर भी लूँ, जो एक चाइनीज़ ब्रांड है, टिम्सन टायर लूँ, मैं बात उनकी नहीं कर रहा पिरेली की, मिशलिन की, उस टाइप के टायर्स की, जो मेटजलर जो थोड़े और महंगे आते हैं इसमें, टिम्सन का टायर भी मेरे को पड़ रहा था आगे पीछे जो मैं पिछला यूज़ करता हूँ करीबन 19,000 रुपये का, और ये मेरे को पड़ा आपका 10,000 रुपये का, समझ रहे हो, 9,000 रुपये का अंतर है। बाकी इसका डिटेल प्राइसिंग रिव्यू टायर का क्या है वो सब तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ गया होगा इस सीरीज़ से पहले या इस सीरीज़ के बाद आने वाला होगा, तो वो आप सब कुछ देख लेना उसके बारे में। बारिश की वजह से फ़ायदा तो ये हो गया कि फिर ठंडा हो गया मौसम, यू नो वो गर्मी एकदम ख़त्म हो गई है और ह्यूमिडिटी भी ख़त्म हो गई है, पर नुकसान भी काफ़ी है अगर आप ट्रैवलिंग राइडिंग कर रहे हो। एक तो आपकी स्पीड नेचुरली गिर जाती है, आप उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते जब बारिश हो रही होती है। दूसरा ये जो ट्रक और ये गाड़ियाँ जाती है ना, इनसे टायरों से इतनी कीचड़ और वो उछलती है, जब भी आप इनके पास जाते हो या क्रॉस करने की सोच रहे होते हो वो उतना उछालती है कि बहुत दिक्कत होती है, तो वाइज़र पूरा गंदा हो जाता है, और ये जैसे वो ट्रक हैं वो दोनों उछाल रहे कीचड़ खूब, और जैसे इनके पास से गुजरूंगा ना पूरा वाइजर और ये सब गंदा हो जाएगा, फिर उसे साफ करो, तो दिक्कतें तो है। और आज क्या हमने को डिस्टेंस करना है कवर बहुत सारा, अब बारिश तो हो गई, भगवान जी को बोला भी था ध्यान रखना, भगवान जी ने ध्यान भी रख लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर दिया, बेटा थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रही है थोड़ा नहा लो, थोड़ा अच्छे से ठंडे हो लो, तो उन्होंने भी थोड़ा दरिया दिली दिखा दी। पर इस चक्कर में क्या है कि देखते हैं, अब चलो देखते हैं क्या होता है, अभी तो 3:40 हुए हैं और मुजफ्फरपुर आने वाला है जस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स और, पता नहीं कौन सा एक कट मिस कर दिया मैंने मुजफ्फरपुर के सांस, और वो मैं आगे चला गया, फिर आगे जाके लेफ़्ट राइट आया तो मेरे को पता नहीं था कि लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, तो मैंने GPS लगाया तो GPS से पता चला भाई साहब आप तो आगे चले गए हो, आपको तो यू टर्न लेना है, फिर somehow उसने यू टर्न की जगह दूसरा रास्ता बता दिया कि आप यू टर्न मतलब इस वाले रास्ते से पीछे चले जाओ, और मैं उस रास्ते से आ गया हूँ भाई साहब, और देख रहे हो आप ये रास्ता पिछले 5-10 मिनट से ये ऐसा ही है, मतलब पता नहीं क्या हाल है,
सुबह के मेन रोड आई है जहाँ से जाना है। पूरे रास्ते जीपीएस लगाया, एक जगह नहीं लगाया तो वहीं पे उल्टा चले गए। देख लो, एक 50 पे है, एक 52 पे जो मैं बोल रहा था। अभी तो थोड़ा तेज हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले से ऐसे ही चल रहे थे साथ साथ। कोई टेंशन नहीं, उसने भी अपना पूरा एक्सीलेटर दबा रखा, उसने भी पूरा एक्सीलेटर दबा रखा, धीरे धीरे अपना चल रहा था। भैया कौन सी जगह आई है मेरे को पता नहीं, सही बताऊँ पर अभी काफ़ी दूर है, वो है अररिया। हाँ, और जगह आएगी वो तो अभी दूर है, उससे पहले और भी जगह आएंगी। देखना फिर चैनल सब्सक्राइब कर दिया। क्या नाम है? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार, तो ये कैलाश कुमार है? विवेक कुमार। विवेक कुमार। लोकेश। लोकी कुमार। लोकेश। लोकेश कुमार। हाँ। विवेक। और ये कैलाश। कैलाश लोकेश। छोटे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई। अच्छा, घर के अगल बगल। दो छोटे कैसे हो सकते हैं? एक छोटा हो सकता है, एक बीच में और एक बड़ा। हाँ, वही बीच में ही है। ये बीच में, तो छोटा ये सबसे बड़ा। सब्सक्राइब कर दिया आपका चैनल अभी। धन्यवाद बहुत बहुत, आपकी बार जो यहाँ की वीडियो डालूंगा ना तुम सब आओगे उसमें। थैंक यू वेरी मच। लेट्स हंट फॉर द लास्ट पिच। वापस जाके सबसे पहले मैं हॉर्न लगवाऊंगा डुअल। बस एक चीज पेंडिंग है, बाकी कुछ नहीं करना बाइक में। थोड़ा सा तो दोस्तों यहाँ पे चाय पी ली, बहुत सारे यंग बच्चे, बालक, लौंडे, कुछ भी कह लो सब मिले। बाय बाय, एक बार एक्सीलेटर ले लीजिए। खुशी होती है, इतने सारे अलग अलग एज ग्रुप के लड़के थे, सब खुश थे, हंस रहे थे, मैंने भी शेयर करी कुछ बातें। तो एनीवे अभी कंसंट्रेट करते हैं अपने रास्ते पे। तो अरिया, अभी मेरी फ्रेंड से ही बात हुई, तो हमने सिलीगुड़ी का आइडिया तो अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, और उसका रीज़न यही है कि बहुत लेट पहुंचते हम। आज हमारा बारिश में करीबन आधा पौन घंटा, एक घंटा समझ लो, उसके बाद बारिश होती रही, धीरे धीरे चलते रहे, तो उसमें गया हमारा। और सुबह भी निकलने में करीबन आधा पौन घंटा हम लेट थे, तो अगर वो डेढ़ दो घंटे होते और सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद टाइमली पहुंच जाते हम सिलीगुड़ी। पर एनीवे, जो गया वो गया। अभी मुद्दा ये है कि आठ बीस में ये अररिया दिखा रहा है, अररिया। पर अररिया क्या है, एक छोटा टाउन है, और उससे आगे करीबन 40-50 किलोमीटर पूर्णिया है। पूर्णिया बड़ा टाउन है जहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, अररिया में है नहीं, बहुत कम है। एटलीस्ट मेक माई ट्रिप पे तो नहीं दिखा रहा है। वहीं पे मैंने अपने दोस्त से भी बात करी है, जो मेरा दोस्त आप सब काफ़ी तो जानते हो गए, अतुल। वो मेरे साथ राइड नहीं करता है, मेरा बचपन का दोस्त है, अपने मतलब बचपन, मतलब बहुत बचपन, पर वो मेरे ट्रिप पे हमेशा मेरी हेल्प करता रहता है, कहीं रुकने का ये वो ये वो। तभी वो बात कर रहा है, मेरे को मैसेज कर देगा व्हाट्सएप पे या फ़ोन करेगा, जो भी अपडेट मिलता है। सो अब आखिरी के हमारे करीबन 200 किलोमीटर हैं दोस्तों आज के। और ऊपर से एक और भी चीज़ है कि आज जो हम 100 किलोमीटर पूर्णिया अगर हम पहुंच जाते हैं, और हम 100 किलोमीटर नहीं कर पाते हैं सिलीगुड़ी वाले, तो हम कल सुबह भी उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला दिन है हमारा वो हम सिलीगुड़ी से जाने वाले हैं गैंगटॉक, जो हमारा प्लान था, जो बहुत ज़्यादा घंटों का रास्ता नहीं है और बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं है। सो वो
ऐड ऑन हो जाएगा इसमें जो हमारे 100 किलोमीटर हैं, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अभी तक। इधर से एक स्कूटर वाला आया लेफ्ट से, और उसने इस साइड देखा ही नहीं जिस साइड से ट्रैफिक आ रहा ना। सब बोलते हैं भैया जिधर से ट्रैफिक आ रहा है उधर एक बार देख तो लो, ऐसे आया और ऐसे चलता चला गया। दो बार हुआ ऐसा, मतलब हम बचा रहे हैं उनको, वो अपने आप को नहीं बचा रहे, हम बचा रहे हैं उनको। वो तो अपना कफन बांध के निकला है, अरे भैया आऊँगा नहीं आऊँगा देख लेना, अपना इंतज़ाम कर लेना, बाकी लोगों ने अगर मुझे रास्ते पे देख लिया तो आ जाऊँगा वरना अगले जन्म में मिलेंगे टाइप, नहीं तो उसी टाइप से निकल रहे लोग। जितने भी यंग हैं आप, मेरे को ना काफ़ी यंग लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को अभी पता चल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे को लगता है। सो अगर वो सब वीडियो देख रहे हैं मेरे, सो जब भी आप बाइक चलाना स्टार्ट करो, गाड़ी चलाना स्टार्ट करो, या इवन आप कुछ भी रोड, गाइस ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन और जो रूल्स है वो सब जितना मैक्सिमम हो सके वैसे तो सारे के सारे फॉलो करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भैया गुड न्यूज़ है, अतुल जी मेरा दोस्त पप्पी, तेरे को दो बड़ी बड़ी पप्पी, तो मैसेज आ गया उसका व्हाट्सएप पे कि भैया अररिया में अकोमोडेशन सिक्योर हो गई है, मतलब कर दिए उसने। सो अररिया जाना अभी हमें, पूर्णिया नहीं जाना फिर, तो हमारी रात की करीबन 45 मिनट्स की जर्नी और कम हो गई है। एंड ऑफ द डे जब पूरे दिन के बाद जब ट्रिप मतलब यू नो रात लेट हो रहा होता है, उस टाइम पे सारी गुड न्यूज़ बड़ी अच्छी लगती है भाई, सुपर अच्छी लगती है, सुपर सुपर। चलो अभी थोड़ा मैं कंसंट्रेट कर लो यार, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा है, ये देख रहे हो रॉन्ग साइड हाई बीम पे आते हैं, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, हाई बीम भी कर रखा है, आँखों फोड़ दो, आँखें फोड़ दो मेरी, मतलब रॉन्ग साइड भी आ रहे हो, हाई बीम भी कर रखा है, और मतलब चाहते क्या भाई साहब। रिलैक्स कंसंट्रेट। और क्या है कि खासतौर से मैं इसी एरिया में, बिहार वाले एरिया में थोड़ा देख रहा हूँ कि हाईवेज में ना गड्ढे अभी सही तरीके से भरे नहीं हैं, तो गड्ढे हैं अभी, तो पता नहीं यार ये क्या, क्योंकि तो ये नेशनल हाईवे है, इतने कीड़े हैं ना, इतने कीड़े हैं रात को गई, मतलब वैसे तो दिन में क्या होता है कि बहुत से लोग इनका वाइजर डार्क होता है, आई डोंट नो कि वो रात को कैसे चलाते हैं, मतलब वाइजर खोल के चलाते हैं तो क्या करते हो अंदर आप, इतना डार्क होता है, और अगर डार्क वाइजर में रात को भी चलाते हो तो वो तो बहुत डेंजरस है। अब जैसे मेरा है, मेरा जो वाइजर है वो नॉर्मल है, पर अंदर जो शेड्स है ऐसे, मतलब वो जो ड्रॉप डाउन होते हैं ना, मतलब नीचे हो जाते हैं, तो वो है ब्लैक कलर के। अब रात को क्या है, मैं वाइज़र खोल के चलाता हूँ जो आगे वाला मेन वाइज़र है, तो अगर वो खोल के चलाऊँगा और अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है फिर, तो मैं एक चश्मे हैं जो क्लियर, मतलब क्लियर चश्मे डीकैथलॉन से मिलते हैं बिल्कुल क्लियर चश्मे, वो पहनता हूँ रात को और फिर वाइज़र खोल के चलाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को वाइज़र बंद करके मैं नहीं चला पाता, मेरे को घुटन सी होती है, एक अजीब सा एक लगता है, जब तक फेस पे हवा नहीं लगती ना, वो कहते हैं ना जब तक कुत्ता वो गाड़ी के बाहर जब तक जीप लटका के ऐसे चलता है, कहते हैं कि ओनली डॉग्स नोज व्हाई दे डू इट, ऐसे ही लगता है मेरे को कभी कभी कि मुंह पे जब तक हवा नहीं लगती ना ये फील नहीं आती। चाहे ठंड भी हो, इवन अगर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले ही बोला कि जब मैं कहीं ठंड वंड हो, कहीं बर्फ़ भी गिर रही है, बाइक चला रहा हूँ उस टाइप से ठंड, तब भी मेरा वाइजर खुला रहता है। 60 किलोमीटर बचे हैं, एक और पिट स्टॉप लिया, आई थिंक आखिरी पिट स्टॉप होगा, इसके बाद सीधे वहीं पे जाएंगे। थोड़ा मैसेज भी पढ़ लेता हूँ उसने क्या मैसेज किया है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ बड़ी सरप्राइजिंग से एक बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर बिहार में हम ऐसी जगह बिल्कुल मतलब डीप इनसाइड बिहार, अभी थोड़ी देर पहले अब ये मेरे पीछे चल रहा था उल्लास, तो इसकी जो लाइट है ना नीचे ऑक्सीडी लाइट है, येल्लो है,
थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ से करीबन 15-20 मिनट किलोमीटर पहले मैंने देखा पीछे ये वर्सेस ही आ रही है और इसकी लाइट वाइट हो गई। मैंने कहा भाई ये तो जादू है, वाइट हो गई, येल्लो थी, मैं कहीं रुका भी नहीं उसके आगे, जो येल्लो वाला वो क्या कहते हैं उसको, येल्लो का फिल्टर, फिल्टर कि उसने उतारा हो कि जिससे वाइट हो रही है, ऐसा रुका भी नहीं। मैंने कहा होगा कोई जादू होगा या कुछ हुआ होगा। 8-10 किलोमीटर तक तो मेरे पीछे था और फिर थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये इसकी लाइट फिर हरी हो गई। तो मैंने कहा कि भाई साहब कुछ फ्लैशर व्लैशर वो कुछ बटन होगा कि बटन दबाओगे तो वाइट हो जाएगी और बटन दबाओगे तो येल्लो हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगा, ऑनेस्टली मेरे को ये लगा। और क्या मतलब ये तो जो मैं नहीं सोचा कि पता है एक और वर्सेस थी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कहीं अलग से दुनिया में, सोचे वर्सेस जो मेरे पीछे थी वो वाइट लाइट वाली वो कोई और वर्सेस थी, वो यहीं पे कोई बंदा है आई थिंक जिसके पास वो वर्सेस है। एंड आई डोंट नो अगर बाई चांस वो वीडियो देखता है तो भाई बताना कि आप थे वो। और सरप्राइजिंगली यार मैं सोचूं यहाँ पे रिमोट एरिया में यहाँ दूर दूर तक कहीं कावासाकी का शोरूम भी नहीं है, वहाँ से वो लेकर आए होंगे अगर यहीं पे रहते हैं तो। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कितना भी कह लो ना कि ये नहीं सोच सकता था कि एक और वर्सेस यहाँ पे सडनली आ जाएगी। और वो कोई राइड भी नहीं कर रहा था कि जैसे कहीं राइड आ रहा है, आई थिंक वो कह रहा टी शर्ट में था विद हेलमेट, तो यहीं पे कहीं कहीं होंगे आसपास। और ये कोई टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है। हाँ, वो जहाँ हम लोग को दिखा ला वो इसी 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। तो भैया आर्या की तरफ ही बढ़ रहे हैं, एक अपडेट है कि हमारे साथ ना आज कल से एक डुगाटी मल्टी स्टार्टर पे एक कपल थे, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो कल से आगे पीछे क्रॉस हो रहे थे कभी, तो फाइनली अभी जब हम चाय पी रहे थे तो वो वहाँ पे जा रहे थे तो वो रुक गए हमें देख के। और ऐसी हम बातें हुई हमारी थोड़ी और वो पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कपल थे वही पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि यार अभी रात को आप अकेले जा रहे हो और वो सिलीगुड़ी सोच रहे थे जाने की, विच इज़ अनदर रात को 10-11 बजे पहुँचते। तो हमने एडवाइस दी कि सर आप कपल भी हो थोड़ा रात को इतना अकेले ट्रैवल ना करो, आप पहले रुक जाओ। तो ठीक है, तो हमने अभी ये डिसाइड किया कि हम आर्या जाते हैं जहाँ पे अतुल भाई ने हमारे लिए जो करा है इंतज़ाम, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और मैंने बोला अगर आप वहाँ पे फिट इन होते हैं तो आप वहीं पे रुक जाइएगा, सुबह जल्दी निकल जाइएगा, आपके ऊपर है मतलब। तो बाकी तो उन्हीं की कॉल है, हमने ऐसे ऐसे एडवाइस करी, उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी हम आर्या जा रहे हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों बस आर्या पहुंचने वाले हैं, 17 किलोमीटर बचा अभी, 17 किलोमीटर, बीच में कहीं कहीं पॉट होल्स हैं पर अब थोड़े कम हुए हैं, पर स्टिल ट्रैफिक एज यूजुअल ट्रकों का ट्रैफिक काफ़ी है, उसके अलावा गाड़ी वाड़ी का तो कोई ट्रैफिक है नहीं, ये बाइक वाइक का ट्रैफिक है और उल्टी साइड चलने वाले तो ये माशाल्लाह है ही। अब बस मेरे को ये नहीं पता कि हमने उनको इनवाइट तो किया है, अब जहाँ पे उसने मेरी बुकिंग करी है, बुकिंग नहीं मतलब जो भी अरेंज किया है दोस्त ने, वहाँ पे मतलब हम 4 दिन सो भी सकते हैं नहीं सो सकते हैं, और अगर नहीं है वहाँ पे तो क्या जुगाड़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पता ये रुकना ही ना चाहें, क्या पता ये सीधा ही चले जाएँ, क्या पता क्या क्या हो। तो जुड़े रहिए, सस्पेंस खुलेगा थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि होगा क्या। कितना मतलब 1-2 किलोमीटर बचा है और हमें वहाँ पे मेरी बात हो गई है, तो आप ये जो मेरे को अभी तक मैंने इनका नाम भी पूछा है सही बताऊँ तो अभी पूछता हूँ, तो वो यहीं पे ही रुक रहे हैं और मेरी बात हो गई है, तो वहाँ पे 2 रूम है तो टेंशन नहीं है कि एक ही रूम है, तो वो सॉर्टेड है, यहीं पे रुक रहे हैं, जो एडवाइजेबल भी है यार रात को अब 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं कि क्या 10-10:30 बजे तक वहाँ पे जाते हैं अकेले, कोई मतलब नहीं है, कोई प्लेन भी नहीं पकड़ना वहाँ पे कि पहुँचना ही है, इससे अच्छा सुबह आप निकलोगे तो आधे टाइम में डिस्टेंस कवर कर सकते हो और सेफ भी है। तो अभी बस होटल कह रहा हूँ, जो भी रुकने का वो फ्लैट है घर है वहाँ जाके मनोज जी हैं उनसे बात करके फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, अब ये सब ज़रा शॉर्ट कर लूँ। भैया ये यहाँ पे बिजली का ऑफिस कहाँ पे है? आ? बिजली का ऑफिस है यहाँ से, यहाँ से हाँ मार्केटिंग है, पुलिस लाइन है ना, हाँ उससे 10 कदम आगे जाना था। ठीक, नहीं मनोज भाई यही का हूँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम मनोज है? नहीं मनोज। अच्छा अच्छा,
ही विल कम एंड पिक अस। अच्छा हाँ मनोज जी, मैं यहाँ बिजली वाले विद्युत विभाग के बाहर खड़ा हूँ। मनोज जी आ गए। हम आ गए हैं भैया ये घर पे, बड़ा सा घर लग रहा है। वो भी एसी हो यार, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ। और बस यहीं पे छोड़ दो। मनोज जी एक बात बताओ। तो दोस्तों टाइम हो गया बहुत सारा, मेरे को लगा सोने से पहले एक बार मिल लूँ। हम यहाँ पे आ गए थे रूम में और जज साहब के घर में रह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था वो भी हमारे साथ ही रुक गए, और कल सुबह वो निकलेंगे। वो जा रहे हैं अपना मेघालय की तरफ, तो वो सिलीगुड़ी से गुवाहाटी होते हुए मेघालय चले जाएँगे, और हम सिलीगुड़ी से चले जाएँगे गैंगटॉक की तरफ। बाकी अभी थक भी गए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। हाँ हमने बाहर से चिकन मंगाया था, बढ़िया चिकन एकदम वो लेकर आया था, रोटी चिकन। और अब हम जा रहे हैं सोने, और कल अब होगी बातें कल। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, और अभी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सी मेहनत करके वो जो नीचे बटन है उसे दबा देना, ठीक है। कल मिलेंगे, बाय बाय।